नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजार रुका में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी। सिलसिला बाजार रुका में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी में कहां पर कितने निवेश के मौके हैं और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने चांदी से। तो सोना देख रहे हैं कि अभी भी सपोर्ट लेवल से ऊपर ही है। हालांकि जो पहले वाले लेवल्स देखने को मिले थे गोल्ड और सिल्वर में, उससे थोड़ी सी नरमी आई है। पहले हमने गोल्ड को 1875 डॉलर पर जाते हुए देखा था, अब देख रहे हैं कि 1865 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। वहीं सिल्वर भी 21.9 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी, अब 21.6 डॉलर पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले गोल्ड और सिल्वर दोनों ही लाल निशान के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। अब ऊपरी स्तरों से ये जो नरमी आई है वो क्यों आई है, ये इस पर डिस्कस करते हैं। दरअसल डॉलर में यहाँ पे तेजी बनी है। अमेरिका का जो इन्फ्लेशन डेटा आया है और जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका में जो तेजी, जो महंगाई दर है उस पर अभी काबू नहीं पाया जा सकता है, जो महंगाई है 40 साल के ऊपरी स्तर पर है अमेरिका में, तो इसकी वजह से डॉलर को और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स को सपोर्ट मिला है। और यहाँ पर घरेलू स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल्स पर भी जो गोल्ड और सिल्वर है उनके प्राइजेस में यहाँ पे ड्रॉप आया है। तो अब यहाँ पे गोल्ड में खरीदारी करें या बिकवाली, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया, बताइए। रूपा जी, देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर अपने पहले वाले सपोर्ट लेवल से नीचे आए हैं, आपको क्या लगता है कि अब गोल्ड और सिल्वर में कैसा ट्रेड रहेगा और बाई की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में या फिर सेलिंग की? देखिए, अगर गोल्ड की बात की जाए तो अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते थोड़ा सा तेजी देखने को मिली है और 1865 डॉलर पर गोल्ड एक बार गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है और लगातार मैंने यही बोला है कि गोल्ड के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी की तरफ रहें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आउटलुक की तरफ जाएंगे तो 1860 के बाद अब 1880 से लेकर 1900 डॉलर तक की तेजी जो है बाजार में देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से अगर बाई में रहना चाहिए और चांदी में भी मुझे लगता है कि तेजी का ही रुझान बना रह सकता है। लगातार मार्केट पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसके अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 22 डॉलर तक इंटरनेशनल मार्केट में एक बार फिर से चांदी जाते हुए दिखाई दे सकती है। और वहीं अगर सोने की बात करें तो 1860 के बाद अब 1880 डॉलर तक ऊपर की तेजी आ सकती है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में बात करें, आज हल्की फुल्की करेक्शन देखने को मिल रही है। 51,500 से लेकर 400 नीचे में डाउनसाइड हो सकता है और ऊपर में 52,000 का स्तर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल के लिए इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, क्रूड में क्या लगता है? क्रूड में तो देख रहे हैं कि अभी भी प्राइसेस जो है ऊपरी स्तर पर बने हुए हैं। बाजारों में ऐसी खबरें हैं कि जो क्रूड है 120 डॉलर के ऊपर जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से चाइना के शंघाई में फिर से लॉकडाउन लगा है कोविड को लेकर, तो आपको क्या लगता है क्या क्रूड ऐसे में यहाँ पे उठ पाएगा? देखिए, क्रूड में अभी जरूर हमें ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर से मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं। देखिए, लगातार पॉजिटिव और सस्टेनेबिलिटी देखिए मार्केट ऊपर तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी जो गिरावट आ रही है इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो कच्चा तेल अपने 3 महीने की ऊंचाई के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए तेजी जो है वो कॉन्टिन्यू रह सकती है और ये नो डाउट कि चीन में मांग गिरने की एक आशंका जरूर बनती हुई दिखाई दी है और शंघाई के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा है और जिसकी वजह से इम्पैक्ट होती हुई नजर आई है और कच्चे तेल की कीमतों पर हमें अभी हाल फिलहाल में देखने को भी हल्की सी फिसलन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें तेजी कॉन्ट्रीब्यूशन में बनी रह सकती है और आने वाला समय जो है कच्चे तेल में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 95 के से लेकर के स्तर भी ऊपर में देखने को मिले। अभी फिलहाल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कच्चा तेल अगर 120 डॉलर के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी बना लेता है 120 से 22 डॉलर तो 140 डॉलर तक भी आने वाले 1 से 2 महीने में जा सकता है। तो काफी अच्छी पॉजिटिवनेस अभी भी इसके अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से जो भी करेक्शन आती है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला है बाइंग करके चला जा सकता है। रूपा जी, इसी के साथ बेस मेटल्स में क्या लगता है आपको? बेस मेटल्स में भी यहाँ पे हमने हल्का सा ड्रॉप आते हुए देखा है। कॉपर थोड़ा निचले स्तर पर देख रहे हैं, 4.2 डॉलर्स पर है। घरेलू वायदा में भी M6 पर भी जो बेस मेटल्स है उनमें आज नरमी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, ये डॉलर तो तेज है तो फिर बेस मेटल्स में अब रुझान कैसा रहेगा? देखिए, अगर देखें तो चाइना में अभी लॉकडाउन की बनती दिखाई है, वहां से लेकर
सस्ती नजर आई है, जिसकी वजह से बाजार ऊपर गिरते दिखाई दी है और जिंक हो चाहे और जो लगा सस्ते हो फिर दिखाई दे रहे थे पूरी तरह से अब निकल चुके हैं और वही डिमांड का है जिसकी वजह से प्राइजेस जो है वो नीचे गिरते हुए दिखाई दिए, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है और वहाँ पर अगर कोई भी हलचल होती है तो उसका सीधा असर डोमेस्टिक मार्केट पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन में वहाँ जा सकता है। दिन की बात करें तो 315 से 314 का डाउन साइड हो सकता है, 705 से 740 तक नीचे की तरफ गिरावट में जा रहा है। बहुत ज्यादा अभी मार्केट जो है वो गिरावट में नहीं है, लेकिन हाँ ट्रेंड जो है नेगेटिव है क्योंकि डिमांड ज्यादा है। फिर उसके अगले दिन ऐसी खबरें आती है कि नेचुरल गैस की जो इन्वेंट्रीज है वो ज्यादा देखने को मिल रही है, तो मार्केट थोड़ी नरम हो जाती है। तो ये जो उठापटक देखने को मिल रही है, एक दिन तेजी तो एक दिन मंदी हो रही है, तो एक्चुअल नेचुरल गैस का जो मार्केट है वो स्टेबिलाइज कब होगा? ये अभी क्योंकि अमेरिका में हम देखे अपने हाई क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, $9 के आसपास भी नेचुरल गैस अभी हाल फिलहाल में तेजी की तरफ डिमांड की वजह से देखने को मिला है, डिमांड बढ़ने से और इतने तेजी आते हुए देखी है और जो तो यूएस में इन्वेंट्री भी नहीं दे रहा है, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस 10 डॉलर तक भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है, जो तरीके का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए नेचुरल गैस इंट्राडे परस्पेक्टिव से देखा जाए तो नीचे थोड़ा सा लोड हो सकता है, 660 तक नीचे एक बार बॉटम आउट हो सकता है, 660 का लेवल एक बार दिखाई दे रहा है टेक्निकली, अगर 660 के आसपास आता है तो वहां पर अगर सस्टेन कर गया तो वापस से बाइंग जो है वो इनिशिएट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो मेरे हिसाब से नेचुरल गैस में थोड़ा सा इंट्राडे में रूपाली की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी इसमें बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। रूपा जी, नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप? देखिए मुझे लगता है कि आज तो गिरावट वाला रह सकता है, नॉन एग्री कमोडिटी सभी में आज गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो सोना चांदी कच्चा तेल हो, लेकिन आज शॉर्ट टर्म रैली में अगर खेलना हो तो आज गिरावट में भी रूपाली करके खेल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी भी बाइंग की रहेगी। आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत फिसल सकता है गोल्ड 51,400 तक, कच्चा तेल भी गिरावट दिखा सकता है, वहां पर बाइंग की रणनीति रखें। मेरे हिसाब से शॉर्ट सेलिंग अगर करें तो स्टिकली स्टॉप लॉसेस के साथ करें, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आज जो है सेलिंग में जाकर लिया जा सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री की।